मम्मी जी कितना बड़ा पहाड़ है देखे तो, इतना बड़ा पहाड़ मैं तो कभी नहीं देखी। मिट्टी ऊपर देखो पहाड़ देख। तो कहने वाले ने बिल्कुल सच ही कहा है कि कभी कभी मंजिल से खूबसूरत सफ़र लगने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बहुत खूबसूरत सफ़र पे जाने वाले हैं। पहले हम ट्रेन से जाएंगे, फिर हम बस से जाएंगे, और आज मैं आपके साथ ये पूरा ब्लॉग शेयर करती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। कैमरा ऑन होता है तो रुक जाती हैं, उनको लगता है कि ये रेसिपी बताने वाली है। सो हेलो मीठी फैमिली मेम्बर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी 10:30 बज रहे हैं और अभी हमें मीठी के स्कूल जाना है, मीठी को स्कूल से लेने भी जाना है और मुझे पार्लर भी जाना है। तो अभी कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ मुंह बांधूंगी और मैं चल दूंगी पार्लर, और मम्मी जी मेरे साथ जाएंगी। क्या पीहू को क्या हो गया यार, रोने लग गई, बहुत रोती पीहू। तो इधर मैंने रोटी बना के रख दिया है और इधर हमारे गैस का हाल, गैस के प्लेटफॉर्म का हाल ख़राब हो गया है, क्योंकि जब पराठी रोटी बनाओ ना तो पूरे में आटा आटा हो जाता है। तो अभी मैं साफ़ सफाई करूँगी स्कूल से आने के बाद, क्योंकि मीठी फिर वहाँ बैठे रह जाएगी। और ये देखो ये है क्या मम्मी जी, बीन्स है ना ये, अभी आप इसको कुछ और बाकड़ा, हाँ ये बीन्स है वैसे, पर इसको मम्मी जी बाकड़ा कहती हैं, यहाँ पे बाकड़ा बोला जाता है, ये बीन्स। और यहाँ पे मसाला अच्छे से मम्मी जी भून ली है, मसाले में हम लोग वही डालते हैं, लहसुन प्याज अदरक, बस उसको पेस्ट बना के अच्छे से भून ली है मम्मी जी ने। और मैं आज रेसिपी आखिरी दिन दिखा रही हूँ, इसके बाद हम लोग कहीं जाने वाले हैं, इसीलिए मैं पार्लर भी जा रही हूँ। तो बस जो जो करवाना है मुझे वो सब करवा के हम वापस आएंगे, फिर हम अपने बैग पैक करेंगे, क्योंकि आज ही हमें यहाँ से निकलना है और हस्बैंड जी भी नहीं है, तो देखते हैं कैसे हम मैनेज कर पाते हैं सब कुछ, क्योंकि बैग वैग लेना तो उन्हीं का काम होता है। तो मैं मम्मी जी और पापा जी और मीठी हम लोग कहीं जाने वाले हैं, तो अभी नहीं बता रही कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। हो गया, रोटी ठंडी हो गई है, तो चलिए ठीक है, अभी फटाक से मैं थोड़ा कंघी कर लेती हूँ, कंघी की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं अभी मुँह बांध लूँगी तो कुछ नहीं दिखने वाला। तो चलो ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं और आपको रास्ते में मिलते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। और ये उबला हुआ है तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा, ये देखिए इसमें से धुआं भी निकल रहा है। जी कहाँ जा रही मम्मी जी, बताएंगी कि नहीं बताएंगी, अभी वहाँ पहुँच के बताएंगी। हाँ देखा, सही है एकदम सही, मम्मी जी भी मेरे उसमें आ रही है अब धीरे धीरे, सस्पेंस क्रिएट करना सीख रही है मम्मी जी एक यूट्यूबर के जैसे। तो चलिए ठीक है, जब तक मसाला पक रहा है तब तक मैं थोड़ा मुँह बांध लूँ, फिर चलते हैं सीधे, रास्ते में मिलते हैं आपको। मीठी हमको मिल चुकी है, ये देखो मीठी, यहाँ तक बाजार भटके पहले ना, बोला चलो अब हम चलते हैं, हमारा पार्लर आने वाला है। तो मुझे करवाना था वैक्सिंग थ्रेडिंग, तो बस वही सब मैं करवा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जो वैक्स लिया है ये शायद चारकोल वाला वैक्स था, मुझे याद नहीं है, पर यहाँ पे शायद चारकोल वाला वैक्स इन्होंने यूज़ किया था। तो अभी यार मतलब मुझे जब ब्लॉग में वॉइस ओवर देना हुआ तब याद आ रहा है कि यार मुझे पूछ लेना था, तो पर मुझे याद है उनका बॉक्स मैंने देखा था उस पर चारकोल बना था, तो ये चारकोल वाला वैक्स है। तो बस मैं वैक्स कराऊँगी, थ्रेडिंग कराऊँगी और उसके बाद घर में जा कर थोड़ा अपना जो स्किन के लिए करती हूँ स्किन केयर रूटीन वो करूँगी। हम आए हैं गन्ने का जूस, ठीक आ गई पार्लर से, क्या पीने जा रही हो? गन्ने का जूस। और मम्मी जी कहाँ है? वो है वो ले रही चना, देखो मम्मी जी क्या ले रही, पूरा चना ले रही। तुम थोड़ा ही पीना, सर्दी हुई है ना, मम्मी के साथ। काला नमक अच्छे से डाल दीजिएगा, थोड़ा पुदीना डाल रहे हैं, पियेंगी ना आप भी? देखो मम्मी जी मीठी का बैग भी टांगी है, बॉटल भी टांगी है। ये 10 रुपये मिल गया इतना सारा, वाह बढ़िया है। तो मैं पार्लर से आ चुकी थी और वहाँ पे सिर्फ मैंने वैक्सिंग करवाई थी, तो अभी मैंने अपने जो दोनों हैंड्स हैं फुल हैंड पे मैंने स्क्रब वगैरह कुछ भी नहीं करवाया था वहाँ पे, और फेसियल वगैरह भी कुछ भी नहीं करवाया था, क्योंकि मेरे पास खुद सारे सामान थे तो मैंने कहा कि अपने से ही सब कुछ कर लेते हैं। तो ये जो मैं लगाती हूँ इंडियन हीलिंग क्ले, वो आप जानते ही हो एज ए टेक सीक्रेट का हीलिंग क्ले, जो कि फेस पे भी लगाती हूँ, नेक पे भी लगाती हूँ, पर आज मैंने फेस पे दूसरी चीज़ ट्राई की है और अभी इसका रिजल्ट देखते हैं कैसा आता है। तो ये 3-in-1 मड मास्क है, तो सैग एपोथिकेरी नाम का ये ब्रांड है जिसका ये मड मास्क है, और पहले थोड़ा सा ना इधर इचिंग जैसी हुई, चुनचुनाहट हुई, जलन जैसी हुई, पर अभी बिल्कुल ये ठीक है, नॉर्मल हो गया, जैसे नॉर्मल फेस मास्क होते हैं वैसा ही है, और चारकोल वाला है। तो अभी इसका रिजल्ट कैसे आता है वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। जा रही हूँ फेस वॉश करूँगी, कुछ कपड़े हैं वो पैक करने हैं, कुछ कपड़े प्रेस करने हैं, और हमें बहुत सारा काम है। और हम कहाँ जाने वाले हैं, मम्मी जी ने तो सीक्रेट रखा है ना, तो मैं भी सीक्रेट रखूँगी, है ना मीठी? मैंने मम्मी जी से बोला पैकिंग देखूंगी। हाँ ठीक है,
फ्रेंड्स भी पैकिंग देखेंगे, मीठी भी पैकिंग देखेगी, और हम लोग बिना हस्बैंड जी के पहली बार मैं जा रही हूँ बिना पति देव के उस जगह पे, तो थोड़ा बुरा भी बुरा नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। मुझे खीरा दो ठो काट लो और राखी में रख लो, ऐसे थोड़े ऐसे करने दो, फिर उसको निकाल लो थोड़ी देर बाद, और मुंह पीले गोरा हो जाएगा पीछे, है ना मम्मा? फेस मास्क उसको बोलते हैं, फेस मास्क। देखो फ्रेंड भी है कि अभी बिल्कुल शाम हो चुकी है और मैं, मेरा जो बैग है वो पैक हो चुका है, अभी मैं अपना जो मेकअप का सामान है ये पैक कर रही थी, ये गुन्नू आ गई। जब भी मैं लास्ट आपसे मिल के आऊं यार, आहा चलो कोई तो मिलने आया मुझसे, तो ये देखो मेरा मेकअप बॉक्स रेडी हो गया है और अब इसको भी पैक कर देते हैं। अब गुन्नू आई है, मैं थोड़ी देर गुन्नू के साथ बैठ के बात कर लेती हूँ, है ना? सब तैयार, चलो चलो जल्दी चलो, हमारी ट्रेन न छूट जाए। नींद तो नहीं आ रही मीठी? चले गुम्मी गुम्मी, हाँ। फ्रेंड्स को भी ले चले, ठीक कहाँ गए बताओ, कहाँ गए बताओ? जबलपुर, तो रात के 12 बजे मंटू भैया हम लोगों को स्टेशन छोड़ दिए थे और अभी सुबह हो चुकी है, हम जबलपुर भी पहुंच चुके हैं और इसके बाद हम ट्रेन से उतरेंगे और फिर बस पे बैठेंगे, पर यहीं पे हम ब्रश वगैरह भी कर लेंगे और चाय वगैरह पी लेंगे तब हम बस पे बैठेंगे। ओ मीठी, फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग। सूरज ही नहीं दिख रहा है, इतना सुंदर सूरज छिप गया घर की वजह से। ये देखो सूर्य उग चुके। अब क्या खा रहे हैं दादू, तुम भी खा लो। आलू बंडा? क्यों मीठी नहीं खाती क्या? वो देखो मीठी बैग लेके जा रही है, दो दो जने मिल के हम लोग बैग उठा रहे हैं, हम लोग स्टेशन से निकल चुके हैं। अरे मीठी लोग रेस्ट करने लगे क्या? जलेबी खाने जा रहे हैं, जलेबी क्यों मीठी? धनिया की पत्ती मीठी, पत्ती हटाओ ना इसमें से हरी हरी, गरम गरम जलेबी। तो हम ब्रश करके नाश्ता करके बैठ गए हैं बस पे, क्योंकि बस का भी सफ़र जो है वो काफ़ी लंबा है, हमें यहाँ से अभी काफ़ी दूरी तय करनी है, पर सबसे खूबसूरत नज़ारे अभी ही देखने को मिलेंगे क्योंकि अब मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे मीठी मम्मी जी सब लोग अपने अपनी सीट पे बैठ रहे हैं, तो चलो सब लोग बैठते हैं फिर चलते हैं। नीचे देखो नीचे, ये वो देखो नीचे कितनी खाई है, हाँ एक बार और दिन में आई थी, आई गई तो दिन में ही हूँ, आई शायद पहली बार दिन में। अच्छा वहाँ अगर बत्ती जलाने गए हैं बस वाले, हाँ सही है जलाना भी चाहिए, जो मुनगे का जैसा फूल था वैसा वाला, हाँ गुलाबी फूल वाला। अच्छा मम्मी जी को सारे फूल के बारे में पता है, क्योंकि मम्मी जी अब मैं जो आपको रास्ता दिखाने वाली हूँ उन रास्तों से कई बार गुजरी हुई है ना, इसलिए इनको सब कुछ पता है। देखो मीठी बैठी है खिड़की के पास बैठी है, मुझे कुछ दिखाने नहीं दे रही है फ्रेंड्स लोग, कैसे दिखाऊँ बताओ? खिड़की के पास तो मीठी बैठ गई है, मैं किधर से दिखाऊँ? देखो कितनी खाई है, इधर नीचे खाई है। पचमढ़ी जाने का रास्ता, ये बहुत ही पर्यटक स्थल है, बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है पचमढ़ी, जहाँ मतलब पहाड़ ही पहाड़ है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगर आप नहीं जानते हो तो गूगल सर्च करना, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ये बैठे हैं मोबाइल छिना के भाग भी जाते हैं। बड़ी देर बाद मुझे विंडो सीट मिली, ये मीठी मैडम बैठ के मोबाइल चला रही है दादू का। We'll be right back.
बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारे जिसमें गांव, पहाड़, खाई, नदी, सब कुछ देखते देखते, जंगल, सब कुछ देखते देखते हम पहुंचेंगे अपनी मंजिल की ओर। और यहां पे पहाड़ को काट कर के रोड बनाई गई है, मतलब आप जिस रोड से राउंड होकर गुजर रहे हो आपको ऊपर जाने के बाद वही रोड नीचे दिखेगी। तो बहुत सुंदर लग रहा था ये सारा नज़ारा। और इसके बाद तो मैंने एक इतना बड़ा पहाड़ देखा, मैं कई बार आई गई हूँ पर इस पहाड़ पर मेरी नज़र नहीं गई या पता नहीं, पर मैं इस पहाड़ को आज पहली बार देखी थी और मैं एकदम शॉक्ड हो गई थी क्योंकि इतने करीब से, मतलब मैहर का पहाड़ मैंने देखा, मैहर भी काफ़ी ऊंचा पहाड़ है, तो पर इतने करीब से मैंने पहाड़ को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखना आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये व्यू भी बहुत सुंदर व्यू था। मम्मी जी कितना बड़ा पहाड़ है देखे तो। अरे ये पहाड़ तो देखे, ये भगवान, ये कभी नहीं देखी। तामिया देख रहा था उस दूर से। हाँ अरे भाई साहब, ये भगवान कितना ज्यादा बड़ा है, ये पूरा गर्दन उठा के देखने पे पहाड़ दिख रहा है, एकदम खड़ा पहाड़ है पत्थरों से। इसमें पेड़ भी बहुत कम है, पत्थर ही पत्थर है। बाप रे इतना बड़ा पहाड़ में तो कभी नहीं देखी। मिट्टी ऊपर देखो, पहाड़ देखो ना, पहाड़ पे ही तो रहते हैं भगवान जी, जो तुम बोलती हो ना शंकर जी वाला गाना, सारा कैलाश पर्वत, वही है पर्वत, वो पर्वत। अरे बाप रे देखो पर्वत, सारे भगवान रहते हैं वहाँ पे। अरे वहाँ एक झंडा भी लगा है, कौन झंडा लगाया होगा इतने ऊपर, बाप रे ये भगवान कैसे झंडा लगाने गए होंगे। क्या लेने आई हो बेटी, लड्डू की मिठाई? हम लोग आए हैं मिठाई लेने, अब कहीं जाओ तो मिठाई लेके जाना चाहिए, है ना? सही बात है। तो हम ले रहे हैं मिठाई और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे, उसके बाद हम लोग घर चलेंगे, है ना? नहीं जंगल चलेंगे। नहीं जंगल से होके आए, अभी खतरनाक जंगल। मीठी हम आ गए, मैं लेके आऊं दे दिए थे। ये देखो भाभी मेरे पैर पड़ रहे। तो इसके बाद मैं कुछ भी सूट नहीं की, हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मैं थक गई थी। और इस वाले ब्लॉग का मैं यही पेंट करती हूँ। अच्छा बताओ कितने कितने लोगों ने समझ लिया है कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। तो चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।